हम लोग देखने जा रहे हैं खंड सूत्र सेक्शन फार्मूला। आप 9-10 में सेक्शन फार्मूला हम लोग पढ़ चुके हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, निर्देशांक ज्यामिति में, कि दो बिंदुओं के निर्देशांक पता हैं और उस पर किसी भी बिंदु का जो है जो उन रेखाखंड को किसी अनुपात में विभाजित करता है उस बिंदु के निर्देशांक हम लोग निकाल लेते हैं। एक होता है अंतः विभाजन और एक बाह्य विभाजन, दोनों के लिए अलग अलग सूत्र होता है। तो 2D में हम लोगों ने क्या पढ़ा है कि ये जैसे हम लोगों का ये बिंदु P है और बिंदु Q है और इस पे जो है इनके अंदर में कोई बिंदु R है जो इसको M और N के अनुपात में अंतः विभाजित करता है। तो अगर P का निर्देशांक पता है, Q का निर्देशांक पता है, तो हम लोग R के निर्देशांक निकाल सकते हैं। तो उसी हिसाब से वेक्टर में हम लोग खंड सूत्र को जो है डेवलप करेंगे। बस इसमें क्या रहेगा, हमारा वेक्टर यूज होगा। तो वही सेम बात है कि दो बिंदु हमारे पास हैं पी और क्यू, हमारे पास दो बिंदु हैं पी और क्यू, तो यहाँ पे वेक्टर इन्वॉल्व होना है, इसलिए हमारा कोई एक्स वाई जेड एक्स अक्षों का वो रहेगा कहीं पे जहाँ पे हम लोग ओरिजिन मानेंगे। और हमारा ये हो गया पॉइंट पी और कोई पॉइंट है हमारा क्यू, ये पॉइंट क्यू। तो O से P को हम लोग मिला देंगे तो हमारा बिंदु P का स्थित सदिश मिल जाएगा, और O से Q को मिला देंगे तो हमारा बिंदु Q का स्थित सदिश मिल जाएगा, OP और OQ, ठीक है। और ये PQ को मिला दिए तो हम लोगों को ये PQ सदिश मिल गया। ये अब PQ जो है हमारा जो PQ सदिश है या PQ लाइन है, इसके अंदर में कोई बिंदु हमारा R है जो इसको M और N के अनुपात में अंतः विभाजित करता है। तो दो टाइप का विभाजित होता है, तो सबसे पहले हम लोग जो है अंतः विभाजन वाला सूत्र निकालेंगे। अंतः विभाजन मान लीजिए मूल बिंदु O के सापेक्ष, मान लीजिए मूल बिंदु O के सापेक्ष P और Q दो बिंदु हैं जिनके स्थित सदिश OP और OQ है। ये बात हो गया कि दो बिंदु हमारे P और Q हैं जिसका मूल बिंदु के सापेक्ष जो स्थित सदिश OP और OQ है, और ये जो हमारा PQ पर है, PQ पर कोई बिंदु R है जो इसको M और N के अनुपात में विभाजित करता है। PQ रेखाखंड के अंतः में कोई बिंदु, उसके अंदर में दोनों के बीच में कोई बिंदु R है जो PQ को M और N PQ को M और N के अनुपात में विभाजित करता है, जहां
एम और एन धनात्मक अदिश है, यानी जो पी क्यू रेखाखंड होगा हमारा उसकी कोई लंबाई होगी, तो कोई बिंदु R है जो इसकी लंबाई को जब हमारा जो पी आर अपान आर क्यू किया जाता है तो ये हमारा क्या रेशियो आता है, एम इज टू एन। तो यही होता है अनुपात में विभाजित करना, ठीक है। जैसे 5 सेंटीमीटर की कोई लंबाई है, हल्का सा समझ लीजिए, 5 सेंटीमीटर टोटल है, एक बिंदु है, ये 2 सेंटीमीटर हो गया, ये 3 सेंटीमीटर, तो ये जो रेशियो है ये मान लेते हैं पी क्यू आर। तो 2 सेंटीमीटर वाले बिंदु पे जब आर कट करेगा तो पी आर अपान आर क्यू क्या हो गया, 2:3। तो ये आर इसको 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। तो ऐसे ही कोई जनरल अनुपात हमने ले लिया कि ये दूरी जो हमारा पी आर अपान आर क्यू बराबर क्या है, एम इज टू एन। तो एम और एन के अनुपात में अंतः विभाजित, और एम और एन धनात्मक होगा, ठीक है, अंतः विभाजित कर रहा है। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, हम लोग लिख सकते हैं कि पी आर अपान आर क्यू, यहाँ से चलिए इसको हम लोग अलग से बना लेते हैं, ये हमारा जो है ये हमारा बिंदु P है, ये हमारा बिंदु Q है, और ये हमारा बिंदु R है, और ये रेशियो हमारा क्या है M, और ये रेशियो हमारा क्या है N। तो यानी पी आर अपान आर क्यू, ठीक है, पी आर अपान आर क्यू यानी पी आर लंबाई बटा आर क्यू लंबाई, पी आर बटा आर क्यू बराबर हमारा क्या हो जाएगा, एम इज टू एन, यानी एम बटा एन, अनुपात का मतलब यही तो होता है एम बटा एन। तो यहाँ से हमारा हो जाएगा एम इंटू पी क्यू बराबर एन इंटू आर क्यू, एम इंटू पी क्यू बराबर एन इंटू आर क्यू। पी आर अपान आर क्यू, पी आर अपान आर क्यू इक्वल्स टू एम बाई एन, एन इंटू एन इंटू ये एम इंटू आर क्यू, ये तिरछा गुणा हम लोगों ने ये गड़बड़ कर दिया, ये हमारा क्या होगा एन इंटू पी आर बराबर एम इंटू आर क्यू, ये सीधा सा तिरछा गुणा है। तो अनुपात समझ में आ रहा है ये कि कोई अंदर कोई बिंदु है जो इसको एम और एम की, यानी ये लंबाई और ये लंबाई का जब अनुपात किया जाता है तो एम अनुपात एन आता है। तो पी आर अपान आर क्यू बराबर एम अनुपात एन, यानी तिरछा गुणा क्या, एन इंटू पी आर बराबर एम इंटू आर क्यू। तो अगर वेक्टर फॉर्म में बात करें हम लोग तो ये, यानी अगर पी आर वेक्टर, पी आर वेक्टर और आर क्यू वेक्टर की दिशा एक ही होगी तो वेक्टर में हम लोग यानी एन इंटू पी आर वेक्टर, एन इंटू पी आर वेक्टर बराबर हम एन इंटू आर क्यू वेक्टर लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों वेक्टर की दिशा सेम है। तो अगर वेक्टर फॉर्म में एन इंटू पी आर बराबर एम इंटू आर क्यू, अब इसमें हम लोग थोड़ा यहाँ तक लिख रहे हैं कि n n इंटू पी आर बराबर m इंटू आर क्यू, तो इसका फिगर हम लोग एक बार दोबारा बना लेते हैं। ये हमारा हो गया x अक्ष, ये y अक्ष, ये z अक्ष, हमारे पास दो बिंदु थे P और Q, ये हमारा बिंदु था Q, ये हमारा बिंदु था P, ये OP हो गया, ये हो गया हमारा OQ, और P और Q को हम लोगों ने मिला दिया तो ये हमारा हो गया वेक्टर PQ, और इस पर हमारा कोई R बिंदु था जो इसको M और N के अनुपात में विभाजित करता था। तो हम लोगों ने ओरिजिन से R को भी मिला दिया और ये हमारा हो गया PR,
वेक्टर और ये हमारा हो गया आर क्यू वेक्टर। अब हम लोग त्रिभुज त्रिभुज ओ पी आर में देखें सदिशों ओ पी आर। ओ पी आर को यहाँ मैं अलग बना दे रहा हूँ, ये हमारा ओ है, ये हमारा पी है, ये हमारा आर है, ये ओ पी वेक्टर, ये पी आर वेक्टर और ये ओ आर वेक्टर। अब सदिशों के योग के त्रिभुज का नियम क्या कहता है, पहले वेक्टर के अंतिम बिंदु पे दूसरे वेक्टर का प्रारंभिक बिंदु, तो इन दोनों वेक्टरों का योग क्या हो जाएगा, ये त्रिभुज की तीसरी भुजा जो पहले वेक्टर के प्रारंभिक बिंदु से दूसरे वेक्टर के अंतिम बिंदु की ओर है। तो हम लोग कहेंगे कि त्रिभुज ओ पी आर में त्रिभुज के सदिश योग नियम से हमारा क्या हो गया, ओ पी वेक्टर प्लस पी आर वेक्टर बराबर ओ आर वेक्टर, और यहाँ से हमको पी आर वेक्टर वहाँ ज़रूरत पड़ेगी, तो पी आर वेक्टर बराबर ओ, ओ पी हमारा उधर चला गया तो ओ आर माइनस ओ पी। इसको आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो, हमेशा कहीं पे जो है जिस वेक्टर को लिखना हो स्थित सदिश के रूप में, ये पी आर वेक्टर है तो यहाँ पहले हमारा क्या आएगा ओ आर, बस इतना ही ध्यान रखा, जो बाद में होगा उसका स्थित सदिश पहले आएगा माइनस जो पहले लिखा है उसका स्थित सदिश, पी आर बराबर ये हो गया। अब अगर हम लोग त्रिभुज ओ आर क्यू यहाँ बना लेते हैं, त्रिभुज ओ आर क्यू भी यहाँ बना लेते हैं, ये हमारा हो गया आर, ये हमारा हुआ क्यू, ये ओ, ओ आर हो गया, ये आर क्यू और ये हमारा ओ क्यू। अब पहले वेक्टर ओ आर के अंतिम बिंदु पे दूसरे वेक्टर आर क्यू का प्रारंभिक बिंदु है, तो इन दोनों का योग क्या हो जाएगा, त्रिभुज की तीसरी भुजा जिसकी पहले के प्रारंभिक बिंदु से दूसरे सदिश के अंतिम बिंदु की ओर होगी। तो हम लोग लिखेंगे त्रिभुज ओ आर क्यू में सदिश योग नियम से ये हमारा हो गया ओ आर वेक्टर, ओ आर वेक्टर प्लस आर क्यू वेक्टर इक्वल टू ओ क्यू वेक्टर, और हमको आर क्यू चाहिए तो ओ आर को उधर ले जाएं तो ओ क्यू माइनस ओ आर वेक्टर। और इसको फिर आप डायरेक्टली लिख सकते हैं, कहीं पे भी किसी भी वेक्टर को स्थित सदिश के रूप में लिखना हो तो आर क्यू वेक्टर बराबर क्या होगा, जो बाद में है उसका स्थित सदिश पहले माइनस जो पहले है उसका स्थित सदिश ओ क्यू माइनस ओ आर। ये हमारा हो गया समीकरण नंबर एक, और ये हम लोगों ने मान लिया समीकरण नंबर दो। इसको ये समीकरण दो, ये समीकरण तीन हम लोग मानते हैं, और ये समीकरण एक। अब समीकरण एक जो है इसमें हम लोग पी आर और आर क्यू की वैल्यू रख देते हैं, तो हमारा ये है क्या n इंटू पी आर बराबर m इंटू आर क्यू। अब यहाँ से m इंटू पी आर को स्थित सदिश के पदों में लिखना है तो r बाद में है तो r का स्थित सदिश पहले होगा वो r, माइनस p पहले है तो इसका स्थित सदिश बाद में होगा, बराबर m इंटू क्यू बाद में है तो उसका स्थित सदिश पहले माइनस r पहले है इसका स्थित सदिश। फिर ये मल्टीप्लाई करते हैं n इंटू ओ आर माइनस n इंटू ओ पी इक्वल टू m इंटू ओ क्यू माइनस m इंटू ओ आर, और हमको ओ आर चाहिए तो ये m ओ आर इधर आ गया तो n इंटू ओ आर प्लस m इंटू ओ आर इक्वल टू m इंटू ओ क्यू प्लस ये हमारा माइनस में है इधर जाके n इंटू ओ पी प्लस में हो गया, यहाँ से ओ आर कामन हो गया, ये हमारा हो गया एन प्लस एम लिखो या एम प्लस एन एम ओ क्यू प्लस एन ओ पी। तो यहाँ से जो आर जो उसको एम अनुपात एन में विभाजित करता था उसका स्थित सदिश हो गया एम ओ क्यू प्लस एन ओ पी अपान एम प्लस एन। तो ये फार्मूला जो निर्देशांक ज्यामिति में पढ़ते हैं उसके जैसा ही है। यहाँ पे चित्र भी हम लोग बना लेते हैं कि
ये बिंदु पी है, ये बिंदु क्यू है और ये बिंदु आर है। ये इसको एम और एन के अनुपात में विभाजित करता है। ओ आर हमारा हो गया ओ आर वेक्टर एम इंटू ओ क्यू, जो रेशियो है उसके अपोजिट वाले का स्थित सदिश, एम इंटू ओ क्यू प्लस एन इंटू ओ पी अपान एम प्लस एन। क्योंकि कोऑर्डिनेट में भी आप यही देखते थे निर्देशांक ज्यामिति में कि इस बिंदु के निर्देशांक एक्स वन वाई वन है और इस बिंदु के निर्देशांक एक्स टू वाई टू हैं, तो जो बिंदु इसको एम इस टू एन के रेशियो में विभाजित करता था उसका निर्देशांक आप क्या लिखते थे, एम एक्स टू यानी रेशियो इंटू अपोजिट वाला प्लस एन एक्स वन अपान एम प्लस एन। तो तरीका वही है। तो ये हम लोगों का अगर दो बिंदु के स्थित सदिश पता हैं और उस पे उसके अंतः में कोई बिंदु उसको एम इज टू एन के अनुपात में विभाजित करता है तो उस बिंदु का हम लोग स्थित सदिश इस फार्मूले से लिख सकते हैं, एम इंटू ओ क्यू प्लस एन इंटू ओ पी। अगर हम लोगों के यहाँ पे ओ क्यू ओ पी को हम लोग ए, जो ओ पी वेक्टर है इसको ए से लिखा जाए और ओ क्यू वेक्टर हमारा बी अगर हो, ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा ओ आर हो जाएगा वेक्टर सीधा एम इंटू बी प्लस एन इंटू ए अपान एम प्लस एन। ये हमारा फार्मूला हो गया। ओ क्यू वेक्टर हमारा क्या है, बी और ये ए, ठीक है, जो रेशियो रहेगा उसके अपोजिट वाला वेक्टर। तो ये अंतः विभाजन का सूत्र हम लोगों को पता चल गया। तो इसके बाद हम लोग बाह्य विभाजन वाला सूत्र देखेंगे।